नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं आपके 29 तारीख से यानी कि 29 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं जो ऑफलाइन मोड पर होंगे टाइम टेबल इसका पहले ही आ चुका है दो पालियों में परीक्षाएं होनी है नौवीं और ग्यारहवीं के एक बैच सुबह चलेगा फिर टेंथ और ट्वेल्थ एक बैच में शाम को चलेगा उसका सिलेबस यानी कि एग्जाम कैलेंडर आपके पास में लेके आया हूँ जिसमें आपको ये पढ़ने में आसानी होगी कि कौन कौन से एग्जाम में लेसन आने वाले हैं और आप उसी हिसाब से रिवाइज कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे तो आज आपको मैं कक्षा बारह आर्ट ग्रुप का बता रहा हूँ तो चलिए उसको आप अच्छे से नोट कर लें और इस्क्रीन शॉट ले रख लें और इसी हिसाब से आप अर्धवार्षिक की तैयारी करें जिससे आपका अच्छी तैयारी हो जाए और अच्छे से आप तैयारी कर सकें और जो बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल है उसको वो भी आ चुका है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया उसको भी आप अच्छे से जाके चेक कर लें और तैयारी उसी हिसाब से करें ट्वेल्थ का और टेंथ का फाइनली टाइम टेबल जो लास्ट में होने वाले हैं फरवरी और मार्च में इसके पहले सिर्फ डेट आई थी कि जो 12 फरवरी से 20 मार्च के बीच में होंगे उसका आज टाइम टेबल आ चुका है हमने अपलोड कर दिया है उसको जाके अच्छे से देख लें और उसी हिसाब से तैयारी करें चलिए हम देखते हैं कि आपको छमाही में कितना पढ़ना है तो सबसे पहला है हिंदी ये सलेबस आप देख सकते हैं यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवम्बर अब चूँकि उनतीस नवम्बर से आपका पेपर है तो नवम्बर के पहली वाली जो चीज़ें होंगी वही पेपर में आएंगी तो चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें से हिंदी में आपको यहां तक का पढ़ना है नवंबर तक का इसको और हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये जुलाई में आपको पढ़ना था आरोह भाग दो कालखंड का पाठ एक इसमें आत्म परिचय है एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी का है गद्य खंड गद्य खंड में पाठ गेरा भक्तिन था फिर बितान का भाग दो इसका पाठ एक पढ़ना है सिल्वर बेडिंग ये मनोहर श्याम जोशी जी की है और अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको पढ़ना था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन व्या और व्याकरण और में आपको पढ़ना था गद्य साहित्य का विकास और आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ इतना आपको जुलाई में कंप्लीट करना था फिर हम चलते हैं अगस्त में आरोह भाग दो कालखंड से आपको पढ़ना था पाठ दो पतंग आलोक धनबा एवं गद्य खंड से फिर है पाठ बारह का बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है और बितान के भाग दो में है पाठ दो जूझ आनंद यादव जी की रचना है फिर अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको पढ़ना था पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया व्याकरण और व्याकरण में आपको पढ़ना है वाक्य भेद शुद्धिकरण लेखन रस परिचय निबंध लेखन एवं रूपरेखा ये आपको अगस्त में कंप्लीट कर लेना था सितंबर में आपको पढ़ना था आरोह भाग दो से काव्य खंड का पाठ तीन पढ़ना था कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये कुमार नारायण जी की रचना है और गद्य खंड से पढ़ना था आपको पाठ तेरा काले मेघा पानी दे और धर्मवीर भारती जी की ये रचना है अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे बनती हैं कविता में आपको पढ़ना कैसे बनती हैं कविताएं है, नाटक लिखने का व्याकरण और फिर व्याकरण में आपका पढ़ना था काव्य की परिभाषा एवं भेद अपठित गद्यांश पद्यांश मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ वाक्य इतना आपको सितंबर में कंप्लीट कर लेना था फिर चलते हैं अक्टूबर में तो इसमें आरोह का जो भाग दो है इसका काव्य खंड आपको पढ़ना था पार्ट चार कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय पार्ट पाँच में शहर स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध गद्य खंड का पढ़ना है पाठ चौदह पहलवान की ढोलक नाथ रेणु की रचना है फिर है बितान इसका भाग दो इसका भाग दो का पढ़ना था पाठ तीन अतीत में दबे पाँव ये ओम सानवी की रचना है अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे लिखे कहानी व्याकरण भाषा एवं उसके प्रकार छंद परिचय था एवं प्रकार अलंकार परिचय एवं प्रकार था इसमें दोस्तों जो हट गया सिलेबस वो भी इसमें शामिल कर, कर दिया गया है क्योंकि ये जो एग्जाम कैलेंडर है ये पहले आ जाता है और रिड्यूस सिलेबस थोड़ा बाद में आया था इसलिए इसमें शामिल है जितना कटा है उतना आपको नहीं पढ़ना आप उसको छोड़ देंगे और बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे फिर नवंबर में है आरोह का भाग दो इसमें काव्य खंड में आपको पढ़ना है पार्ट छः ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है पाठ सात बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और गद्य खंड में पढ़ना है आपको पार्ट पंद्रह चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब विष्णु खड़े खड़े की रचना है पाठ सोलह में आपको पढ़ना है नमक ये रजिया सज्जाद जहीर की रचना है और बितान से पढ़ना है आपको पार्ट चार डायरी के पन्ने अभिव्यक्ति और माध्यम से पढ़ना है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण यानी आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर का पूरा स्क्रीन शॉर्ट लेके रख लें और सिर्फ इतना ही तैयारी आपको करनी है जो सलेबस कट गए हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे अब इंग्लिश का भी हम देख लेते हैं इसको आप अंडरलाइन अच्छे से कर लें जुलाई में आपको ये ब्रिज कोर्स का पढ़ना था तो ग्रामर जिसमें डिटर माइनर्स हैं प्रीपोजिशन है राइटिंग पोस्टर मेकिंग है इन्विटेशन फॉर्मल है लेटर फ्लेमिंगो में लेसन फर्स्ट था लेसन फर्स्ट लेसन सेकेंड था लेसन थर्ड था और पोइट्री स्टार्ट से द जिगर किंग था इतना आपको जुलाई में कंप्लीट करना था फ्लेमिंगो से लेसन फोर पढ़ना था द रिट्रेप पोएट्री है लेसन फोर है फिर पोएट्री सेकेंड में पढ़ना द एलिमेंट्री स्कूल वाला विस्टाज से पढ़ना आपको लेसन थर्ड जर्नी ऑफ द एंड द अर्थ लेसन फोर आपको पढ़ना था ग्रामर में आपको मॉडल्स लेसन पढ़ना था और राइटिंग में आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना था ये जुलाई और अगस्त का सिलेबस था फिर आपको सितंबर में फ्लेमिंगो पोइट्री से कीपिंग क्वाइट और लेसन फाइव का इंडिगो ग्रामर वॉइस एक्टिव एंड पैसिव पढ़ना था राइटिंग में नोटिस राइटिंग पढ़ना था और फिर फ्लेमिंगो से आपको प्रोज लेसन सिक्स से आपको पोएट्स एंड पेंक्रियाइज था पोएट्री से आपको आई थिंक ऑफ ब्यूटी विस्टास से था लेसन फाइव शूट रिगार्ड हिट मनी और ग्रामर से आपको रिलेटिव क्लास राइटिंग सेक्शन और रिपोर्ट राइटिंग डायरी और एंट्री था फ्लेमिंग से आपको लेसन सेवन द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड पढ़ना था पोएट्री से आपको एस ए रोड साइड स्टैंड विस्टा, और विस्टास से आपको लेसन सिक्स पढ़ना था ग्रामर में आपको नाउन क्लास राइटिंग सेक्शन और ईमेल राइटिंग पढ़ना था ये आपका जुलाई से लेके ये जुलाई हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इतना सिलेबस आपको कवर कर लेना है जो आपके पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है बेहद नहीं पूरा पूरा इसी से आएगा क्योंकि नवंबर तक का पढ़ा हुआ ही आएगा उनतीस नवंबर से आपके एग्जाम हो जाएंगे तो इसके पहले जो नवंबर के महीने पढ़ा दिया गया है वही आएगा कटे हुए सिलेबस को जरूर हटा दें अब नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत से संस्कृत का या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ये अनुशासन है और ये लेसन फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ है सेवंथ है एट्थ है नौ और दस है यानी संस्कृत में आपको एक से लेकर दस तक बाकी जो ये व्याकरण खंड लिखा है पाठगत व्याकरण पाठगत व्याकरण इतना आपको अच्छे से कवर कर लेना है ये संस्कृत का हो फिर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें बुक फर्स्ट से पढ़ना था अध्याय फर्स्ट अध्याय सेकंड अध्याय थर्ड ये आपको जुलाई में कवर करना था फर्स्ट सेकंड थर्ड और अध्याय चार अध्याय पाँच आपको अगस्त में कवर करना था अध्याय छः आपको सितंबर में कवर करना था और अक्टूबर में आपको बुक टू से अध्याय फर्स्ट और सेकंड कवर करना था अध्याय थर्ड से आपको मुद्रा एवं बैंकिंग और नवंबर महीने में आपको अध्याय चार परिचय आय और रोजगार निर्धारण के और अध्याय पाँच आपको इतना कवर करना था यही आपके हाफ ईयरली का एग्ज़ाम का सिलेबस है इसको अच्छे से स्क्रीन स्कॉट रख लें और तैयारी कर लें नेक्स्ट देखते हैं आपके हम हिस्ट्री हिस्ट्री में है जो सिलेबस हटे होंगे उसको नहीं पढ़ना है बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ उसको आप हटा देंगे एलिमिनेट ही कर देंगे जितने सिलेबस को इसके बीच से आपके में आना है सिर्फ आप उतना ही पढ़ेंगे भाग एक है अध्याय फर्स्ट अध्याय सेकंड अध्याय थर्ड अध्याय फोर्थ अध्याय फाइव ये आपको पढ़ना है अध्याय सिक्स और अध्याय सात आठ नौ दस दूसरे बुक से हमको सेकंड पढ़ना है जिसमें विद्रोह और राज हैं अठारह सौ का आंदोलन और उसके व्याख्यान मानचित्र प्रोजेक्ट हैं इतना आपको इतिहास के लिए कवर कर लेना है जो हाफ ईयरली में आपसे पूछे जाएंगे फिर चलते हैं हम आपके पॉलिटी में पॉलिटी में है अध्याय एक अध्याय दो अध्याय तीन समकालीन विश्व में अमेरिका बर्चस को पढ़ लेना है ये आपको जुलाई का था अध्याय चार अध्याय पाँच अध्याय छः अध्याय सात ये आपको अगस्त में कवर करना था अध्याय आठ अध्याय नौ अध्याय दस अध्याय ग्यारह अध्याय बारह इतना आपको कवर कर लेना था ये भी है हाँ ये मेरा लेसन भी है यानी तेरह और चौदह भी आपको कवर करना है यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यानी एक से लेके चौदह तक आपको पूरे पढ़ लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लें पाठ के नाम भी देख लें और इस हिसाब से इसका पूरा अध्ययन कर लें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भूगोल का इसको भी अच्छे से अंडरलाइन कर लें यह त्रैमासिक का भी सिलेबस तो शामिल ही है इसमें अध्यय इकाई फर्स्ट है इकाई सेकंड है ये वाली बुक से अध्याय फर्स्ट अध्याय थर्ड और अध्याय फोर्थ है ये मूल सिद्धांत का हो गया इकाई थ्री का अध्याय फाइव है अध्याय सिक्स है सात है इकाई टू का फिर अध्याय चार है प्रायोगिक कार हो गया अध्याय टू आंकड़ों का प्रक्रमण हो गया मानव भूगोल के सिद्धांत हो गया अध्याय आठ है परिवहन और संचार भारतीय लोग हो गया अध्याय अर्थव्यवस्था से बुक टू से हो गया अध्याय पाँच अध्याय छः और अध्याय चार ये प्रायोगिक कार्य हो गए फिर ये अक्टूबर का आपका सिलेबस है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से इकाई थर्ड इकाई थर्ड है इकाई नाइन है अर्थव्यवस्था से अध्याय सात हो गया खनिज संसाधन हो गया अध्याय निर्माण उद्योग हो गया और नवंबर में आपको इतना पढ़ना भूगोल के सिद्धांत बुक चार ये पूरा हो गया इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट ले लें इनको अच्छे से और तैयारी मन लगा कर लें क्योंकि हाफ ईयरली में सिर्फ इतने ही पूछा जाएंगे आपसे फिर नेक्स्ट है होम साइंस इसका भी अच्छे से अंडरलाइन कर लें श्वसन तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र है उत्सर्जन संस्थान है नलिका विहीन है प्राथमिक चिकित्सा है तापमान है इनको सब अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से पढ़ लें ग्रह विज्ञान का ही है ये तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो इनको ज़रूर अच्छे से देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये पहुंच जाए बहुत बहुत धन्यवाद